हम लोग की जो लाइफ है होती है ना वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हमारी जो लाइफ है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है। हम सब चाहते हैं कि एक बेहतर लाइफ जिए जिसमें ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हो, ज्यादा हैप्पीनेस हो, ज्यादा ग्रोथ हो, सब कुछ जो भी, एक अबंडेंट लाइफ चाहते हैं। चाहने से नहीं होगा, चाहने से नहीं होगा, आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करेगा आपके लिए। देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ को बेहतर करना है, अगर हमें अपनी सोसाइटी को बेहतर करना है, तो उसके लिए हमें एफर्ट्स करना पड़ेगा। जैसे एक हिंदुइज्म की टीचिंग है कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। ये टीचिंग क्यों है कि जितना हम वर्क करेंगे, राइट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, विथ राइट इंटेंशन वर्क करेंगे, एज ए ज्ञानी कर्मी वर्क करेंगे, उतना हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली की लाइफ में, हमारी सोसाइटी की लाइफ में उतनी पॉजिटिविटी, उतनी प्रॉस्पेरिटी आएगी। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो जो अज्ञानी कर्मी है वो अपने अज्ञान की वजह से हमारी सोसाइटी को पॉल्यूट करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। इसलिए देखिए, जो जो वार है वो हमेशा चलता रहता है। इसलिए जो हिंदुइज्म का जो सिस्टम था, उसने जो चार वो बनाए थे, चार वर्ड बनाए थे, ये सारे बहुत साइंटिफिक थे। और आगे अगर वर्ल्ड सही हाथों में जाएगा, देखिए जो वर्ल्ड की जो पावर है, अगर वो सही हाथों में जाएगी तो वो फिर से वो उसको इसी ऑर्डर में लाने की कोशिश करेगा। तो उन चारों में एक वर्ड होता था क्षत्रिय वर्ड। क्षत्रिय का क्या काम था? सोसाइटी की रक्षा करना, सोसाइटी में जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स है उनको क्रूसीफाई करना, वो उनकी जिम्मेदारी थी। सो अगर ज्ञानी कर्मी एक्टिव नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, तो जो अज्ञानी कर्मी है उनको नहीं पता, वो तो बिल्कुल नासमझ है, उनको नहीं पता। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन जब नशा कर लेता है तो वो क्या करता है उसको नहीं पता चलता। तो ठीक उसी तरीके से ज्यादातर जो भी लोग हम लोग की कंट्री को या वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं, वो ज्यादातर उसमें से लोग अज्ञानी कर्मी है। आपको अपने ज्ञान को बढ़ा के बस चुप नहीं हो जाना है, आपको एक्शन करना है। मैं क्यों इतना एक्शन करता हूँ? क्योंकि मुझसे यूनिवर्स एक्शन करवाता है, ताकि कोई तो सेंटर हो यूनिवर्स में जो पॉजिटिव हो, जो जो पॉजिटिविटी को स्प्रेड करे। क्योंकि जो ज्यादातर लोग जो पॉजिटिव है वो अपनी पॉजिटिविटी को अपने तक रखते हैं, तो मुझको वो गलत लगता है। इसलिए गलत लगता है क्योंकि देखिए, मुझे जो भी पॉजिटिविटी मिली, जो भी विजडम मिला, मुझे मिला तो कहीं से, एक्सटर्नल सोर्स से मिला, मुझे कहीं से मिला। ऐसा कोई मेरी फैमिली में या कोई इनबॉर्न या कोई हेरिडिटरी नहीं था। तो मुझे लगता है कि नहीं, जब यूनिवर्स ने किसी सोर्स से मेरे तक आया है तो मेरे से आगे जाना चाहिए। सो इस थिंकिंग से मैं एक्शन करता हूँ। सो आपको सीखना पड़ेगा अपनी अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली की लाइफ के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। आपको, हम सबको एफर्ट्स करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम पेरिश होंगे। सो इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरा काम है इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मेरा काम है आपको कन्वे करना, उसके बाद आप क्या करते हो वो आपके कार्मिक है। वो जैसे भी आपके कार्मिक होंगे वैसे आपको उसका जो कार्मिक का फल से आपको गोद्रुप करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन है, आई एम पॉजिटिव हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो बट समटाइम फील वीक एंड एंग्जायटी कम, आई एम कंट्रोलिंग बट वाई दिस हैपेंड, आई एम मेडिटेटिंग एंड डूइंग रिलैक्सेशन ऑल्सो। देखिए, एक वर्ड होता है ग्रोथ, ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, जिस प्लेन पे रहते हैं उसी पे अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं, उसी को आखिरी पॉसिबिलिटी मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम पहुंच गए, जो हमारी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी थी हम वहां पहुंच गए। अगर आप जिस प्लेन पे हैं उसी प्लेन पे रहेंगे और आप पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, देखिए पॉजिटिविटी स्प्रेड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जो ज्यादा जरूरी है कि हमारी लाइफ में भी ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका प्लेन शिफ्ट नहीं हो रहा है और आप एक ही प्लेन से पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो एक लेवल से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपने लिखा है, आई एम मेडिटेटिंग एंड डूइंग रिलैक्सेशन। देखिए, अच्छा है आपने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया, मैं आपको बताता हूँ। जो रिलैक्सेशन टेक्निक है वो हमें क्या करता है, रिलैक्स करता है। मतलब हमें फिर से हमारी पॉजिटिविटी को थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर देता है। तो वो थोड़े टाइम के लिए जो स्टोर करा उससे हम फिर थोड़ा सा अपने आप को स्प्रेड, अपने जो पॉजिटिविटी है उसको थोड़े टाइम के लिए स्प्रेड कर पाएंगे। बट हमें जरूरत क्या है, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ग्रोथ। आंसर इज कि प्लेन शिफ्ट कीजिए। और हाईएस्ट क्या है कि प्लेन शिफ्ट करते 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 हम लोग यूनिवर्स से कनेक्ट हो। जब यूनिवर्स की एनर्जी हमारे साथ मिक्स होती है तब हमारी जो एनर्जी है वो बाउंडलेस हो जाती है, फिर हमें ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है। एक मैसेज है जिसको बोलते हैं एक्शन विथ अवेयरनेस, दिस इज द आंसर। एक्शन, हमें एक्शन करना है, हमें ज्ञानी कर्मी बनने की कोशिश करना है। और हम ज्ञानी कर्मी तभी बन पाएंगे
जब हमारी अवेयरनेस का लेवल बहुत हाई हो, और अवेयरनेस का लेवल एक दिन में हाई नहीं होता है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपका क्वेश्चन है गॉड कौन है, मैं उससे कैसे मिलूंगा? देखिए, पहले अपने हमें अपने आप को समझना है, अपने से कनेक्ट करना है, और फिर जो यूनिवर्स को, जो पूरा जो एग्जिस्टेंस है, जो एग्जिस्टेंस है उसको हम लोग गॉड या गॉडहुड कहते हैं। सो आप पहले अपने आप अपने ग्रोथ पे वर्क कीजिए। अब हम जब लोग एक्सपेंड होते हैं, तो एक्सपेंड होते होते जो लास्ट है, दैट इज कनेक्शन विथ गॉड। सो द मैसेज इज एक्शन विथ अवेयरनेस, एक्शन विथ अवेयरनेस। देखिए, जितनी हमारी पहले क्या होता है शुरू में, कि हम लोग की बहुत सी लिमिटिंग बिलीफ होती है, या हमें से ज्यादातर लोग की जो लाइफ होती है ना, वो लोअर पेन पे चलती है। तो जब आपकी लाइफ लोअर पेन पे चलेगी ना, तो आपको ये सब बातें नहीं समझ में आएंगी। आप समझना चाहोगे तो भी नहीं समझ में आएंगी, तो क्योंकि आप ना फिर आपकी लाइफ ना बहुत दूसरे पेन पे चलती है, जहाँ पे जेलस होता है, जहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है, जहाँ पे आप दूसरों की खुशी को देख के चलते हो। ये सब लोअर पेन की ये सब ट्रेड्स है। तो जब आप राइट लर्निंग करते हैं, जब आप जो बेहतर एनर्जी के लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो आपका ना हार्ट चक्र एक्टिव होता है, आपका जो लाइफ का जो प्लेन है वो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना, एक्शन विथ अवेयरनेस इज द वर्ड। अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है, और आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज करने में जो आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो जो भी नॉलेज बोल लीजिए, विजडम बोल लीजिए, उसमें हालांकि अलग अलग लोग के लिए वो अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे जो लोग, जैसे हम लोग का जो चार, हम लोग वो बोलते हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग एंड साक्षी योग। तो जो कर्म योग के लोग हैं, वो लोग उतना ज्यादा ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन वो अपने कर्म करते करते ही ना अपने अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। वो देख सकते हैं कि उनके कर्म का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उनके कर्म का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। और देखिए, जैसे हम में से ज्यादातर लोग, जैसे अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी हैप्पीनेस का ख्याल रखेंगे आप, तभी आप दूसरों की हैप्पीनेस का ख्याल रख पाएंगे। ज्यादातर लोग जो दूसरों को दुखी करते हैं, वो वही लोग होते हैं जो अपने को भी दुखी करते हैं, जो जिनको जिनको नहीं समझ में आता, या जो भी है, मतलब वगैरह वगैरह। सो जो ज्ञान योग के लोग हैं, जो इस स्टेट के, वो लोग ज्ञान को बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि अपने नॉलेज को ही बेस बनाते हैं। जो भक्ति योग के लोग हैं, वो लोग भी ज्ञान में उतना नहीं जाएंगे, वो लोग फीलिंग में जाएंगे, वो लोग बस अपने जो भी इमोशंस में उन लोग का ज्यादा होता है, लेकिन वहां भी वो अवेयर होते हैं। और जो भक्ति योग के लोग होते हैं, ये लोग इमोशनली ज्यादा साउंड होते हैं। और हम सबके अंदर ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम होते हैं। ऐसा नहीं कि जो कर्म योग वाला है वो केवल कर्म योगी है, उसके अंदर इमोशंस नहीं काम कर रहा है, या उसके अंदर विजडम नहीं काम कर रहा है। हमारे अंदर ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, कोई कम होता है, कोई ज्यादा होता है। फिर फोर्थ जो साक्षी योग होता है, ये इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है, जैसे महावीर थे, तो महावीर का जो नाम है, महावीर क्यों पड़ा? क्योंकि वो जो वो कहते थे कि मुझे सेवन चक्रास ट्रेवल नहीं करना पड़ा, मैं फर्स्ट से डायरेक्ट सेवेंथ पे जंप कर गया, इसलिए उनको महावीर बोला गया। तो जो डायरेक्टली साक्षी योग के लोग होते हैं, वो किसी भी पैरामीटर में नहीं फंसते। वो न तो वो कर्म के उसमें वो बहुत ज्यादा रहेंगे, न तो ज्ञान के उसमें बहुत ज्यादा रहेंगे, न तो इमोशंस के उसमें बहुत ज्यादा रहेंगे। वो लोग डायरेक्ट मतलब फर्स्ट से लेकर सेवेंथ तक वाले होते हैं, इसलिए उनकी बातों में ना कई बार आपको रस नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए आप महावीर की टीचिंग देखिए, आपको उनकी बातों में रस नहीं दिखेगा। गौतम बुद्धा को आप देख लीजिए, उनकी बातों में आपको रस नहीं दिखेगा। आपको रस उनकी बातों में दिखेगा जो इन तीनों पे अटके होंगे, जो जिनकी लाइफ में ये तीनों सेंटर्स होंगे, क्योंकि ये तीनों सेंटर्स हम लोग की लाइफ में होते हैं, तो हम उनसे कनेक्ट करते हैं। हम ज्यादातर लोअर लेवल वाले लोग से सराउंड होते हैं, ये तो मैंने शुरू में ही बोला था कि ज्यादातर लोग लोअर प्लेन्स पे होते हैं, क्योंकि वो अपने, उनको पता ही नहीं होता कि वो मतलब उनको लाइफ की जो बेहतर पॉसिबिलिटी है उसका पता ही नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि उनके लाइफ में ना बेहतर लोग नहीं होते। देखिए, हमारी सोसाइटी में जो सबसे बेहतर लोग हैं वो कौन लोग हैं? वो सेंट्स हैं, वो मास्टर्स हैं। मैं रियल सेंट्स, रियल मास्टर्स की बात कर रहा हूँ। फेमस एंड रियल में डिफरेंस होता है। कई बार अगर हम सेंट्स की बात करें, तो आपके मन में एक दो इमेजेस आ रहे होंगे, वो सब जस्ट टीचर्स हैं, दे आर जस्ट मेडिटेशन टीचर्स, या मैं उनके लिए कोई अच्छा वर्ड्स मेरे पास नहीं है। क्योंकि इस टाइम जब हमारी सोसाइटी एक बुरे वक्त से गुजर रही है, इस वक्त जब हमारा देश एक बुरे वक्त से गुजर रहा है, तो हमारे देश के सारे संत ना गूंगे हो गए हैं। वो कोई संत नहीं है, जो भी अपने आप को पोर्ट्रेट करते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी बना के, और बड़ा बड़ा फाउंडेशन, और बड़ा बड़ा पता नहीं क्या क्या चलाते हैं। मेरी बातें आप में से कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, लगे वो, मेरा आपको खुश करना इज नेवर द पर्पज ऑफ माई लाइफ, सच बोलना इज पर्पज ऑफ माई लाइफ। सो जब देखिए, संत का पता किससे चलता है? उसके एक्सप्रेशन से, उसके टीचिंग से, उसके वे ऑफ लिविंग से। अच्छी बातें तो कोई भी कर लेगा,
अच्छी बात है तो आप एक रिक्शे पे कभी भी ट्रेवल करना ना, उससे कुछ सवाल पूछना, देखो आपको वो कितनी अच्छी बातें बताएगा। अच्छी बातें पता होना इज नथिंग, कोई अचीवमेंट जैसी कोई चीज नहीं है। जब हमारा सोसाइटी, हमारा देश, इस टाइम हमारे कंट्री में इन्वेजन हो रहा है, इस टाइम हम लोग का जो कंट्री है बहुत कुछ डायनेमिक्स बदल रहा है, जो बाहर की जो पावर्स है, एक सिंपल सा एक समझ लीजिए, देखिए हम लोग की जो कंट्री है उस पर डेप्ट कितना है, और जो बाहर की जो कंट्रीज है या जो भी वर्ल्ड बैंक है, जब वो डेप्ट देता है ना तो वो लोग तभी बहुत क्लियर होते हैं कि हम डेप्ट क्यों दे रहे हैं। कोई किसी को लोन देता है ना तो फिर कोई बहुत अलग डायनेमिक्स है। मतलब जैसे इस टाइम जितने भी हम लोग के वो सारे चुप है, तो इसका मतलब वो ना, बस देखिए हम लोग की सोसाइटी में सबसे ज्यादा कौन डरता है, जो बिजनेस ओनर है वो डरता है, क्योंकि बिजनेस ओनर के पास, बिजनेस पर्सन के पास एक ऐसी चीज होती है, मनी एक ऐसा चीज होता है जिसकी लिक्विडिटी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उसको बचाना सबसे मुश्किल होता है। सो वगैरह वगैरह, सो फाइन, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। हम में से ज्यादातर लोअर लेवल वाले लोग सराउंडेड होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि हाँ होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई मास्टर नहीं होता, मेंटर नहीं होता। देखिए मैं अपनी लाइफ में क्यों ग्रो किया, मैं अपनी लाइफ में केवल इसलिए ग्रो किया, मैं हर तरीके से ग्रो किया हूँ, चाहे वो सारे 5 एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, हर तरीके से मैं ग्रो किया। उसका सिंपल सा रीजन जाता है कि मेरे लाइफ में कुछ मेंटर्स आए, ट्रू मेंटर्स आए, ट्रू मास्टर्स आए, और वो जो ट्रू मास्टर्स मेंटर्स थे वो अवेलेबल है, सबकी लाइफ में आते हैं। मैंने उनसे हुक किया, कनेक्ट किया, उनके साथ ट्रेवल किया, उनकी जो भी विजडम थी, उनकी जो डेप्थ थी, उसको समझने की कोशिश किया, तो उन्होंने एक नई पॉसिबिलिटी, एक नया डायरेक्शन, एक नई हाइट वो मुझे दिखाया। मेरी फैमिली में भी बाकी लोग ऐसे थोड़ी कि मेरी फैमिली में बाकी लोग बहुत इनलाइटेंड है, बहुत वो है वगैरह वगैरह, तो ये तो नॉर्मल है। तो ऊपर लेवल पर जाने के लिए क्या करें, उन लोगों से आपकी फैमिली में या जो आपके आस पास या आपके फ्रेंड्स, उन लोगों से इस टॉपिक पे बात मत कीजिए। उन लोगों से इस टॉपिक की बात करेंगे तो इसलिए जो हम लोग शुरू में तीन वो जो लाओत्से का जो स्टेटमेंट बताते हैं, इसीलिए बताते हैं कि उसका हमेशा ख्याल रखिए, और उसका ख्याल रख के हमें अपना ईगो नहीं बूस्ट करना है। देखिए अगर आपकी आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी नॉलेज बढ़ने से आपका ईगो बूस्ट हो रहा है, इसका मतलब आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे। देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का सिम्टम है कि हमारा जो ईगो है ना, हम लोग ईगो से फ्री होते हैं। सो ऊपर लेवल पर जाने के लिए क्या करें, सो ऊपर लेवल पर जाने के लिए जो लोग ऊपर लेवल पे हैं, जो लोग स्पिरिचुअली साउंड हैं, उनसे, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, जिस भी तरीके से, चाहे आप उनकी बुक पढ़िए, चाहे आप उनकी ऑडियो सुनिए, चाहे आप उनके सेशन अटेंड कीजिए। इससे आपका जो प्लेन है वो शिफ्ट होगा, और आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड में, आपके सोशल सर्कल में जो लोग हैं वो लोअर प्लेन पे है, कोई बात नहीं, उनकी चॉइस है। आप उनको उठाने की कोशिश तब तक मत कीजिए जब तक वो आपसे रिक्वेस्ट ना करें, प्रे ना करें, आपको पे ना करें, जब तक आप श्योर ना हो जाए कि इंटरेस्टेड है, तब तक किसी की हेल्प करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप उनको ऊपर नहीं उठा पाओगे, वो आपको नीचे ला देंगे, क्योंकि ऊपर उठाना मुश्किल होता है, किसी को नीचे खींचना आसान होता है। लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, रानी जी देखिए ये ना, जैसे जो लाइफ है, जो हम ह्यूमंस हैं, यह ना बहुत वास्ट मेजॉरिटी है, तो सबके लिए ना वो अलग अलग चीजें होती है। जैसे अगर मैं डायरेक्टली बोलूं, लोग ना लाइफ के अलग अलग पायदान पे खड़े हैं, तो लाइफ का पर्पस तो ये होना चाहिए कि हम ग्रो करें, हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि जो भी हम लोग की ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होते आगे बढ़ते 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 अल्टीमेटली वो स्पिरिचुअल ग्रोथ तक चले जाती है। डायरेक्टली हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोग इतने पीछे हैं कि वो उस बात को समझेंगे भी तो नेगेटिव तरीके से समझेंगे, उसका नेगेटिव यूज करेंगे। जिसका परफेक्ट एग्जांपल है जो हम लोग के सोसाइटी में जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, हम लोग की सोसाइटी में जो रिलीजन को जिस तरीके से लोग लेते हैं, हम लोग की सोसाइटी में लोग रिलीजन के नाम पर जिस तरीके से एक दूसरे से लड़ते हैं जानवरों की तरह, उन लोगों को रिलीजन की बात उन लोगों से करना ही नहीं चाहिए। जिन लोगों को पहले थोड़ा सा ऑनेस्टी सीखना चाहिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखिए फिर जो रिलीजन है ना, पॉलिटिशियन उसका एज ए टूल की तरह यूज करते हैं। सो होप द वर्ल्ड इज द ग्रोथ, अपने लाइफ में आप ग्रो कीजिए इन राइट डायरेक्शन। तो जब आप राइट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं तो ग्रो करते करते जो लास्ट थिंग इज दैट इज द स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखिए हमारी जो पर्सनालिटी है दैट इज द सिस्टम ऑफ आइडियाज, जो भी हमारे जो ड्राइविंग बिलीफ है, जो भी हमारे कोर बिलीफ है, वही हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। और अगर वहां पे जो भी हम लोग लर्निंग करते हैं, क्यों करते हैं लर्निंग, उसी को अपग्रेड करने के लिए, उसी को इम्प्रूव करने के लिए, उसी को इनहांस करने के लिए। और जब हम लोग उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको इनहांस करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, तो उसके हमें रिवार्ड्स मिलते हैं। एंड जो हाईएस्ट अचीवमेंट जो लाइफ में पॉसिबल है दैट इज
टू बी अ सोलफुल पर्सन, दैट इज द हाइएस्ट अचीवमेंट, दैट इज द हाइएस्ट पॉसिबिलिटी. सो और वो उस पॉसिबिलिटी को हम लोग तभी अटेन कर पाते हैं जब हम लोग वाकई में एक जेन्युइन पर्सन है, होना चाहते हैं, हम ऑनेस्टी को प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे थिंकिंग में, हमारे एक्शन में, हमारे बिहेवियर में, हम लॉ ऑफ गिविंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जो भी लाइफ में जो मेंटर्स हैं, मास्टर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं, हम अपने वर्ड्स को लेके हम अपने अपने वर्ड्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जब ये सब वैल्यूज हम लोग की लाइफ में होती है तभी हम लोग लाइफ के हायर पॉसिबिलिटी को टच कर पाते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं. सो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज्ञानी कर्मी बनिए, एफर्ट्स करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. जो आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, लोअर प्लेन के लोग हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, चाहे आपके फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो. अगर आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप मत रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन जहां पे आपका प्लेन ऊपर है उनका प्लेन नीचे है और वो आप ऊपर नहीं आना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है. देखिए, हमारी लाइफ हमारी चॉइस है, सिंपल सी बात समझिए, हमारी लाइफ हमारा सिलेक्शन है, हमारी चॉइस है, हमारी लाइफ हमारा चॉइस है, हमारा सिलेक्शन है. सही सिलेक्शन कीजिए, सही चीज चूज कीजिए, क्योंकि देखिए लाइफ में हम लोग चॉइसलेसनेस में नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ हम चूज करेंगे. जैसे देखिए, जो मेरी लाइफ थी, मेरी लाइफ में मेंटर्स आए, मैंने उनको कनेक्ट किया, चूज किया, और जो भी गिविंग, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट गिविंग थी, सब कुछ किया. जैसे मेरी जो पहली बुक है उसको मैंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर को वो किया, जो भी बोलते हैं वर्ड मुझे नहीं ध्यान आ रहा है. तो जो रियल वैल्यूज की चीज है, अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, आप ग्रो करेंगे. अगर हम किसी को भी चीट कर रहे हैं तो आप अपने को चीट कर रहे हैं, क्योंकि और कोई है नहीं आपके अलावा, और कोई आपके अलावा है नहीं, बाकी सब अपनी अपनी लाइफ में है. और हम लोग जो घिरे हुए हैं, हम लोग जो सराउंडेड है, वी आर सराउंडेड बाय द यूनिवर्स, बाय द, और वो हमें रेस्पॉन्ड करता है, वो हमें रेस्पॉन्ड करता है, वो हमें मिरर करता है. इसीलिए एक स्टेटमेंट है कृष्णा का कि जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूँ. इसका सिंपल सा मतलब है कि हम यूनिवर्स में जो साउंड क्रिएट करते हैं, यूनिवर्स हमारे तरफ वही लौटाता है. अगर हम नेगेटिव इमोशंस भेजेंगे तो यूनिवर्स हमारे तरफ वही लौटाएगा, अगर हम पॉजिटिव इमोशंस भेजेंगे तो यूनिवर्स हमारे तरफ वही लौटाएगा. तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू.